का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। ओम शांति। मैं कौन और मेरा क्या है? हर एक का सवाल यही होना चाहिए, मैं कौन और मेरा क्या है? अभी मैं आपको, मैं कौन तो सबको पता है, इंग्लिश में बाबा ने आदत से लेकर व्हाट एम आई एंड व्हाट इज माय, व्हाट एम आई, ये पता नहीं था। आई एम सोल, मैं मनुष्य अपने को देह मानने के कारण अनेक रूपों से बड़ा होशियार समझता है, शाहूकार समझता है, रिचियस समझता है, पढ़ा हुआ समझता है, कहीं अपमान आते हैं उसको, सुंदरता का अपमान आता है, परंतु उसके सुंदरता में अगर कोई जीवड़ा लग गया। लेकिन बाबा ने राइट बोला ना मैंने, लेकिन बाबा ने हम सबको, हमको इन सब परिस्थितियों से, मैं गई मनेला में गई तो भी ब्रह्मा कुमारी जब देखा का एक थियरी बताई, पहेली बताई। अब पहेली माना प्रॉब्लम, प्रोली पहेली माना एक कहानी होती है, पहेली इसको कहते हैं भाई, जिसको कोई पहेली दियो ना भाई तुम हल करो। तो बाबा ने 1937 हैदराबाद सन, जो हैदराबाद सन आज हम और बाकी तो आपको क्या सुना, बातें तो बहुत जबरदस्त है, अभी रात हो रही। एक शाहूकार रईसों का मुल्क था, एक था हैदराबाद सन, दूसरा था हैदराबाद दक्कन, डेकन कहते हैं जिसको। तो हम थे हैदराबाद सिंध के सिंधी, और हमारा बाबा जिसकी ये सारी प्रजा बनी हुई है, संतान बने हुए, वो भी बाबा हैदराबाद संत के थे। तो जैसे जहां बाबा रहते थे वही सिंध में, वही हैदराबाद में हम रहते थे, पर आज वो हैदराबाद हमारा सिंध नहीं रहा, वो हैदराबाद मुसलमानों के शहर में चला गया। अभी हैदराबाद दक्कन है, वो दूसरे साइड का है, पर जो सिंधियों का सिंध था ना वो खत्म हो गया। हैदराबाद सिंध था जो सिंधु सरस्वती नदी के किनारे पर था, और दूसरा फिर हैदराबाद को बड़ा शहर था कराची, कराची फिर सागर के कंठे पर था। तो हम सब हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे, हम माना मैं और हमारा बाप। हमारे साथ मैं नहीं अकेली थी, परंतु जो मैं आज आपको सुनाएंगी वो आप में से किसने नहीं देखा, नहीं अनुभव किया है, नहीं देखा है, कुछ भी नहीं, परंतु मेरी जीवन 1937 से 14 बरस की आयु से हम हैदराबाद सिंध में जन्म लिया था, और वहां फिर पढ़ाई करते थे, उसमें 5th इंग्लिश पास किया था, 6th में गई थी और 7th में मैट्रिक थी, तो 5th पास किया था, 6th में गए थे। परंतु उसी समय हमारे हैदराबाद सिंध में बाबा रहते थे, तो बाबा को दादा लेखराज कहते थे, तो कोई लखीराज बाबू कहते थे। तो बाबा ने हैदराबाद में ज्ञान सुनाना शुरू किया। कहाँ ज्ञान सुनाना शुरू किया? उसी क्लास का नाम था जसोता निवास। बाबा ने वो जो जसोता निवास था, जसोता बाबा के लौकिक पत्नी का नाम था, जसोता माता। तो बाबा का पहले पुराना मकान था, फिर बाबा ने नया बनाया तो उसमें नाम रखा जसोता निवास। उसी जसोता निवास में, जो हैदराबाद सिंध के बीच में थे और अच्छे स्थान पर थे,
तो वहाँ फिर माताएं बहनें बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। उसमें पहले हमारी बहन थी हरदेवी, बड़ी बहन थी हरदेवी, शरीर छोड़ दिया परंतु हमारे सबको ले चलने वाली निमित बनी हमारी हरदेवी। एक हरदेवी नहीं थी और हरदेवी का साथ दूसरी भी बहने थी, जो भी बड़ी बहने थी, वो 8-10 बहने थी, वो ज्ञान सुनने जाती थी। तो हरदेवी ने क्या करके कहा कि मैं कौन, व्हाट एम आई एंड व्हाट इज माय, खुदा का बेटा, खुद खुदा। तो हमारी दीदी मनमोहिनी थी, जो मनमोहिनी दीदी यज्ञ का पहले पहले कंट्रोलर थी। आप दीदी मनमोहिनी को सब जानते होंगे अच्छी तरह से। तो दीदी मनमोहिनी उसको आके बताया, दीदी पापा देखो क्या कहते हैं, हम कौन है, हम खुद खुदा है, खुदा के बच्चे हैं। फिर ऐसे ही हमारी हरदेवी को पहले ज्ञान रंग रंगा, फिर उसने हम सबको खींचा खींचा, तो हम भी चलने शुरू किया। फिर जहां हम गए ना, तो जहां हम जाते थे, जहां तो हम स्कूल पढ़ते थे, 5th पास किया था, 6th में गए थे, तो हॉलीडेज थी और हम भी कभी कभी जाते थे, उसको कहते थे ओम मंडली। अभी ओम मंडली बाबा ने क्यों रखा, ओम मंडली, ओम माना आई एम, भाई व्हाट एम आई, आई एम आत्मा, व्हाट एम आई, आई एम आत्मा, आत्मा क्या, आत्मा का पिता कौन, परम पिता। तो पहले तो नशा था, भगवान के बेटे और मास्टर भगवान, शाहूकार का बेटा शाहूकार, गरीब कहेगा, तो ये बाबा ने नशा चला। पर परमात्मा कौन है, ये ज्ञान धीरे धीरे खुलता गया। परंतु बाबा ने एक, मैं आपको बात सुनाती हूँ, बाबा ने माताओं को आगे उठाया। क्यों आगे उठाया, क्योंकि माता, बाबा कहते थे बच्चे, माताएं सिंध में, उसका बेचारी का पति गुजर जाता था आगे के जमाने, अभी जमाना बदल गया, पति गुजर जाता था तो बेचारी 12 मास अंदर घर में पड़ी रहती थी और उसको घर से भी नहीं निकालती थी, और उसके पोलका, ये लाल पोलका, सफेद भी नहीं, वो अंदर ही रहती थी और बेचारी ऐसे करती थी, माताएं आती थी ऐसे रुलाती थी। आदमी की, बाबा क्या कहता था, आदमी की एक जुत्ती जाती है दूसरी जुत्ती पहन लेता है, और मेरी माताएं जो सेवाधारी है, इतनी इतनी उनकी सेवाएं करती है, वो बेचारी सदी में धोती रहे, ऐसे क्यों। अबला माता है, इसीलिए माता न हो तो घर कैसे हो, आज माता नहीं हो तो घर में बेचारे बच्चे आवारा होके घूमते रहेंगे, बाप क्या करेगा, बाप भी बेचारा ऐसा सो जाएगा। जब बहन है, माता है, तब तो घर चलता है। तो ये बाबा ने माताओं को आगे रखा, माना जो सत्य बात थी वो देखा। फिर दूसरी बात, जब हैदराबाद सिंध में हम लोग थे, शुरू शुरू की बात है, 1937 की बातें सुनाती हूँ। तो कोई भी किसका पति गुजर जाता था तो बिचारी माता, बिचारी सफेद पोलका उतारती थी, लाल पोलका पहनती थी, लाल कुछ कर, सफेद नहीं पहनती, अंदर ही अंदर कपड़ा ढूंढ करके, माताएं आएंगी बिचारी को रुलाएंगी, क्यों, आदमी गया, एक जुती गई दूसरी जुती लेके आएगा, दूसरी औरत लेके आएगा पॉकेट में, और हमारी माताएं, बाबा कहते थे क्यों, माताओं का बिचारी का एक पति गया तो 12 मास तो क्या जीवन भर रोती रहे, नारी के सवाय घर बन सकता है। आज आप सोचो, आपकी घर में पत्नी न हो, माता न हो, आपके घर में क्या भाई बेचारे क्या करेंगे, खाना क्या, बच्चे क्या करेंगे, लेकिन माँ है जो घर संभालती है। तो ये बाबा ने भारत माता जगत अम्बा भारत माताओं की जय, तो ये भारत माता का नाम बाबा ने उठाया। और हम आत्माओं को पहले पहले क्या बोला, दो आज्ञा, बच्चे व्हाट एम आई, व्हाट इज माय, मैं कौन हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं,
नहीं, मैं आत्मा, तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये मेरा तन है ना, ये मेरा तन, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। पुरुष भी कहेगा, अगर शरीर नहीं होए तो क्या करेगा, आत्मा न हो तो काम नहीं, दोनों के स्वयं काम चलते, दोनों से काम चलते, आत्मा शरीर, आत्मा चली गए, शरीर मुर्दा। अगर शरीर पर है आत्मा, आत्मा है तो फिर कहेंगे भूत पड़े तो घूमते रहते हैं, तो दोनों का काम चाहिए। मैं आपको जो बातें समझाती हूँ ना, ओरिजिनल अनुभव के साथ बताती हूँ, नहीं तो हाँ क्या। तो आत्मा शरीर के साथ है, आप सब चैतन्य आत्माएं हो ना, देखो आपको देखती है ना, बोलते हाँ, और देख रहे हैं, हाँ सुनते हैं, समझते हैं, तो ये चैतन्य सत्ता, वो चैतन्य सत्ता आत्मा। तो ये जो ज्ञान है, 1937 की बात है, बाबा ने आकर के ये बताया, व्हाट एम आई, व्हाट इज माय, मैं कौन, मैं आत्मा, और ये मम बॉडी, मेरा शरीर, मेरा, मैं ये शरीर नहीं। फिर बाबा ने गीत बनाया, सिंधी में बताती हूँ दो शब्दों में, छद दे अब मान वट योगी अकांग्या कर गंगा स्नान, बोलो ओ ओ ओ, इसका मतलब बताती हूँ, छद दे अब मान, ये दे का, क्यों हम सिंधी थे ना पहले पहले, तो ये दे का अपमान छो, बॉडी कॉन्शियस छो, मैं बॉडी नहीं हूं। अगर आत्मा चली जाती है, बॉडी को रखेंगे, जला देंगे, खत्म। तो बाबा ने यही पहला गीत बताया, दे अपमान छोड़, परमात्मा गंगा स्नान कर, ज्ञान गंगा, पानी के गंगाओं में तो बहुत स्नान किया, हड्डियां तो डाल दिया पानी में, पर तुमने क्या गंगा स्नान किया, तो वो तो पानी की गंगा है ना, पर गंगा किसको कहते हैं, ज्ञान गंगा। ज्ञान माना क्या, ज्ञान माना दोष, मैं कौन, मेरा क्या, हर एक अपने आप को जानते हैं, लौकिक में भी जानते हैं, अलौकिक में भी जानते हैं, लौकिक में जानते हैं, मैं पूछूं आप कौन, कोई कहेगा मराठी हूँ, सिंधी हूँ, गुजराती हूँ, पंजाबी हूँ, यूरोपियन हूँ, सखा हूँ, सरदार हूँ, ये हजारे बातें सभी के अपने अपने, पंजाबी कौन का, परंतु ये सब हो गई लौकिक बातें। पर बाबा ने एक ही शब्द बोला, बच्चे व्हाट एम आई, मैं आत्मा इस शरीर से नारी, ये पुरुष का तन है, ये स्त्री का तन है, पुरुष भी कहेगा मैं आत्मा, स्त्री भी कहेंगी मैं आत्मा, और व्हाट एम आई, अगर पुरुष की भी आत्मा चली जाए मुर्दा घर में चला जाएगा, अगर स्त्री की भी आत्मा चली जाए मुर्दा घर में चली जाएंगे, रखेंगे बिल्कुल नहीं, मुर्दे के सामने कोई बैठ के तो दिखाए, डरेगा रात को कौन बैठेगा, नहीं बाबा चार आदमी बैठे तब बैठेंगे, जाने सब पता है, मेरे को सब पता है, नॉलेज फुल हूँ। तो जब चैतन्य आत्मा है, इसीलिए तो बाबा ने भी हम आत्माओं को पहले पहले ये ज्ञान दिया, बच्चे व्हाट एम आई। फिर बाबा ने देखो, फिर लोग क्या कहते थे बाबा के लिए, फिर बाबा कहते थे ना ऐसा, बाबा आते थे ना, बाबा माना, एक बार बताती हूँ, बाबा माना दादा लेखा, माना ब्रह्मा बाबा, फिर उसको ब्रह्मा बाबा नाम पड़ा वो बाबा। तो जब बाबा आते थे ना तो ऐसा देखते थे, तो लोग क्या कहते थे, बाबा इनको जादू लगाता। अब जादू क्या लगाता है, बाबा हमको उस रूहानी दृष्टि से देखते थे, आत्मक नजर से देखते, आओ बच्चे आओ बच्चे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आओ बेटी आओ ऋषि पुत्री, ये थे मेरे मीठे मीठे बाबा के बोल, जो मैंने जीवन में अनुभव किया, अनुभव किया प्रैक्टिकल में, लोके को छोड़ दिया, पापा बाबा को बना दिया। तो देखो हैदराबाद सिंध में 1937 की बात है, जब ये बाबा का घर जसोता निवास
उसी में बाबा ने ये ज्ञान चर्चा शुरू की थी और उस ज्ञान चर्चा में उसका नाम रखा था ओम मंडली। ओम माना आई एम, मंडली माना ये दुनिया, तो मैं आत्मा इस मंडल में रहती हूँ तो ये मंडली है। तो जिसमें हम जाते हैं उसका नाम भी ओम मंडली रखा। और ओम मंडली में बाबा ने फिर कानून क्या रखा, देखो बोला जो भी माताएं हैं, आगे माताओं के पति जाते थे, गुजर करते थे, तो बिचारियां 12 मास अंदर रहती थी घर में और सफेद उतार के लाल पोलका पहनते थे। और बाबा क्या कहता था, माताओं की पत्नी जाती है ना, एक जुटी जाती है ना, एक मास दूसरे मास में दूसरी माता लेके आता है। क्यों? नारी, अगर नारी जैसे घर में ना हो तो पुरुष क्या करेगा, बेचारा खाना बनाएगा, हाथ चलेगा, ये करे। जब ही नारी है तभी तो घर चलता है। तो नारी को इसीलिए स्वर्ग में नारी को लक्ष्मी कहा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यहाँ भारत में मिस्टर एंड मिसेस, मिसेस एंड मिस्टर नहीं, परंतु हमारे सत्युग में क्या है बोलो, मैं राइट बोला, सीता राम, राम सीता नहीं, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने भी यहाँ आकर के हम आत्माओं को उठाया, ज्ञान दिया, और उन आत्माओं ने बाबा के ज्ञान को ऐसा समझा, बिल्कुल ही समझ गए। और उन्होंने उन मनाम भी, मैं भी कुमारी थी, मैं 13 बरस की आयु में थी, मैं स्कूल पढ़ती थी, 5th English पास किया था, 6th में गए थे, हमारे घर से हमारी बड़ी दीदी मन में, हमारी बहन हरदेवी थी, ये सब ओम मंडली में जाते थे। ओम मंडली क्यों कहा, क्योंकि ओम माना आई एम आत्मा, मंडली माना ये दुनिया, ये सारी दुनिया मंडल है, तो उसको बाबा ने नाम रखा ओम मंडली। तो ओम मंडली में जाते थे, तो बाबा ने कहा कि मेरे ओम मंडली के सत्संग में कोई भी माता लाल पेचकीर पहनने वाली नहीं आ सकती है। अभी आपको बताती हूँ क्यों, क्यों देखो, तभी तो लक्ष्मी नारायण नाम शुरू हो गया ना, पहले मिस्टर मिसेस और सत्युग में सीता राम, राधे कृष्ण। देखो बोला क्यों, माताओं का पति जाता है तो बेचारी आगे आगे, अभी ने जमाना बदल गया, पर पहले का जमाना बेचारियां लाल पेशकी पहनती थी, 12 मास घर में बैठती थी, घर से निकलती नहीं थी, कोई आता था रोती थी, ऐसा चादर रोती, अरे तेरा क्या, आदमी मरा तो दूसरी जूती लेके आता है औरत, और औरत का पति मरा तो रोती रहती। बाबा ने कहा नहीं, नारी स्वर्ग का द्वार, नारी नहीं होंगी स्वर्ग कैसे आएगा। तब भी बाबा ने देखो आज किसके ऊपर काम रखा, ओम राधे, और फिर नाम चला लक्ष्मी नारायण, सीता राम, ये कहाँ से शुरू हुआ, ज्ञान से। ये नहीं कहा तुम भाई पीछे, नहीं, भाई भी पहले बाबा था, परंतु पापा ने नारियों को जो अबला बेचारी आगे, अबला माता का पति जाता था, 12 मास रोती रहती, बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन बाबा ने ये सब संपर्क खत्म करा दिया। अपने जो हम बाबा के बच्चे थे ना, बच्चे नहीं, आओ जाओ, और मेरे क्लास में कोई भी लाल पेशकी वाली माता नहीं आ सकती है। वो बेचारी माता हूँ, बाबा का बड़ा क्लास अच्छा लगता था, रास्ते से पहन के आती थी, जो विधवा माता थी, और बाबा के घर में जसोता निवास में वो पेशकी उतार करके कच्छ में लेके आती थी, क्लास में आके होता था, फिर जब रास्ते से जाएंगे ना वो पहन के जाएंगे, क्योंकि मर्या था, अभी वो मर्यादा खत्म हो गई, वो 1937 की बात पूरी हो गई, अभी जमाना बदल गया, आपको तो मालूम है जमाना की क्या बात। तो ये सब कानून बाबा ने बताया पीछे। फिर दूसरी बात क्या बताए, हम स्कूलों में जाते थे, फिर ये ज्ञान सुना, हमारी बहन हरदेवी पहले पहले गई, उसको भी बहुत भीड़ पड़ी कि तुम ये जाएंगी फिर शादी नहीं करेंगी, परंतु उसको लगन लग गई, पर वो भी आकर कहते थे दीदी, दीदी माना मन में नहीं दी थी,
मनमेनी दीदी थी जो यज्ञ का पहला कंट्रोलर थी, वो हमारी फर्स्ट कजन सिस्टर थी, माना हमारे दादे की 6 पोतरिया ज्ञान में गई और 2 बहुरानियां, 8 जन इस ज्ञान में चले और 8 ही चले, कोई टूटा फूटा नहीं, शरीर छोड़ते गए। अभी मैं एक जिंदा बात हूँ, मैं समझती हूँ, अभी भी गई थी, परंतु मैं एक बैठी हूँ सभी का पंडा, दीदी भी गई, दीदी की मरे सब गए, परंतु बाबा ने देखो ये हैदराबाद सिंध में ये ज्ञान फैलाया। और माताएं बिचारी जो लाल पुरुष का पानती थी ना विधवाएं, उसका उतार करके बोलते थे सफेद पहनो नहीं तो क्लास न लो, नहीं बेचारियां सफेद पहनती थी। और आखिर क्या हो गया, बाबा ने जब ये कानून निकाला ना, माताओं का लाल पुरुष का खत्म हो गया, सफेद ही पहनती थी, लाल खत्म हो गया, क्यों, बाबा ने पावर उठाया तो सबके बुद्धि में भी तो आया ना दीवान। फिर आज देखो, फिर उसका नाम रखा ओम मंडली। अभी ओम मंडली क्यों रखा, ओम माना क्या, ओम आई एम, आई एम व्हाट, आई एम आत, व्हाट एम आई एम आत, आत्मा किसका संतान, सन ऑफ सुप्रीम गॉड का था, परम पिता परमात्मा का संतान, तो मेरा पिता कौन है, परमात्मा। हमको कुछ भी चाहता है किसको भी, हे भगवान, दुआएं मांगते हो, कुछ किसको बीमारी होती है, हे भगवान आशीष करना, ये करना, बाप थोड़ी आशीष करेगा, तो आशीष देने वाला शिष्य बाबा है ना, तो हम उसके ही बन गए ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, लौकिक और अलौकिक, वो लौकिक या अलौकिक। अभी ये शरीर है, शरीर है, आत्मा नहीं होती तो ये क्या मुर्दा हो जाएगा ना, तो ये लौकिक है, अलौकिक पालौकिक आत्मा। तो बाबा ने हम आत्माओं को ये पक्का बिठाया, बच्चे वाट है। फिर बाबा ने ये ज्ञान सुनाते सुनाते ऐसा बात सुनाते गए, ऐसा ऐसा जो हमारे सिंध में ये बातें फैल गई, हैदराबाद सिंध की बात है, जो हैदराबाद सिंध अभी पाकिस्तानों के बीच पाकिस्तान बन गए, जो रईस साहूकार करोड़पतियों का घर था परंतु मुसलमानों का शहर हो गया ना पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो हैदराबाद कराची। फिर बाबा ने हैदराबाद छोड़ के फिर कराची चले, कराची थी सागर पर, हैदराबाद थी सिंधु सरस्वती नदी, माना नदी किनारे, तो बाबा ने कराची ले लिया। क्यों कराची, बोला यहाँ मेरे बच्चों को ये लोग भगाते जाएंगे, लेके जाएंगे, इसीलिए बच्चे कराची। तो बाबा ने हैदराबाद छोड़ के कराची गए, फिर हम सब कराची भाग, फिर कराची में हमारा ये क्लास चलना शुरू कर दिया, फिर वहाँ हमारी जनता बढ़ती गई, फिर ये भी कराची भी पाकिस्तान हो गई, हैदराबाद कराची, ये सिंध की बातें हैं। फिर आ गया कहाँ, फिर बच्चे अभी चलना है कहाँ, फिर माउंट आबू की बातें आ गई, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से हिंदू सब भाग गए तो हम भी भाग गए। तो बाबा ने फिर कहा बच्चे कहाँ चले, फिर ये सब दादा विश्व किशोर था, हमारा बड़ा बहू था दादा विश्व किशोर, आपने नाम सुना होगा दादा विश्व किशोर, जिसको भेरू कहते थे, बाबा का बड़ा भतीजा, वो सब सारा यज्ञ का वाणीकार जो था ना वो दादा विश्व सारे यज्ञ कारोबार चलाना, बाबा को निर्संकल्प करने वाला विश्व। कितनी भीड़ें आई, कितनी बातें आई, कितनी माताओं को भगाया गया, कितनी बातें आई, क्या आपको पता है, बाबा ने कितना नहीं सहन किया, परंतु आज देखो माता का झंडा पाला हो गया, नहीं तो माताएं अबला होकर के अंदर पड़ी रहती थी, आज नारी देखो देश की नारी बन गई। ये किसने काम किया, ब्रह्मा बाबा, नारियों को जगाया, नारी शक्ति है, नारी देवी है, सीता राम, राम सीता नहीं कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, तो पहले लक्ष्मी चाहिए ना, घर में अगर कोई माता नहीं होवे बेचारा भाई आएगा कहाँ से खाना देगा, पहले तो लक्ष्मी चाहिए ना, घर की खाना बनाने वाली कहाँ से खाना खाएगा, लक्ष्मी नारायण सीता, परंतु काम दोनों से चल, दोनों में अपनी ताकत, उसकी ताकत ये, तो ये बाबा ने हैदराबाद सिंध में 1937 में ये ज्ञान देना शुरू किया और हम बच्चों को एकदम आजाद कर दिया, बच्चे तुमको जगह जगह पर
पापा का ये झंडा लहराने का है, बच्चे जगह जगह पर देश देश में जाकर के पापा की सेवा करनी है, कानपुर में जाओ, मद्रास में जाओ, कहाँ कहाँ भी बाप बोलते थे कर, सब जगह जाओ, पापा ने हुशार कर दिया तो बच्चे भी हुशार हो गए। आज देखो कहाँ क्या लिखा पड़े, सारी दुनिया में सारे विश्व के अंदर बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार, पर नाम पहले क्या आता है, ब्रह्मा कुमार पहले नहीं आता है, ब्रह्मा कुमार पहला चाहिए, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम क्या आता है, राइट बोला मैंने, मैं आपको गलत नहीं, आप देखो जैसे जहाँ भाई नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, एक भाई 10 माताओं का काम कर लेते हैं, वो एक ही झंडा उठाएगा, एक ही बड़ाई है माताएं बेचारी, परंतु जहाँ माता नहीं तो वो घर भी सुना सुना लगता, बेचारे बच्चे होए घर में और माँ नहीं होए बेचारा भाई क्या पाप क्या करेगा, पाप क्या करेगा, तो इसीलिए दोनों का काम, लक्ष्मी नारायण, मिस्टर मिसेस, मिसेस मिस्टर, तो ये बाबा ने आकर के हम आत्माओं को पहले पहले ये ज्ञान दिया, फिर हम आत्माएं भी जाग गए, जागी ऐसे जो हमारा भी ये सब कपड़े सफेद हो गए, रेशमी कपड़ा उतर गया, ये गया, स्कूल बंद हो गया और हम बाबा की ओम मंडली में शुरू कर, हम 14 बरस की आयु में थी, 13 बरस में ज्ञान दिया, 14 की हम बाबा का क्लास शुरू कर दिया, आज 14 बरस की आयु से लेकर के आज मेरी आयु है 82, परंतु हूँ मैं कुमारी, इसलिए मेरे कौन कहते हैं मैं कुमारी राजकुमारी, हमारा गीत है नवल नवेली न्यारी अति प्यारी राजकुमारी, और माताओं को कहते थे आमी तुम पिंजरे की मैं पसी तुम भूषण और गहना, भूषण गहना हमारे पास नहीं थे क्या, हम सब स्वाह करते हैं, क्यों बाबा ने हमको क्या बनाया, बच्चे बच्चे तुम कौन हो, तुम वेद के बादशाह हो, तुम वेद के मालिक हो, भगवान के बच्चे माता भगवान, बाबा ने ये ज्ञान दिया, तो माताएं जाग गए, और हैदराबाद सिंध में भी ये बात, आज देखो सारे विश्व के अंदर ये नारा किसने खड़ा की, और उसके साथ में हमारी मम्मा, मम्मा को क्या कहते थे राधे, फिर कहा ओम राधे, फिर बाबा ने कहा क्योंकि बाबा अकेला क्या कैसे हम बच्चों को संभाले, तो मम्मा जो थी ना वो बहुत समझदार थी, हुशियार थी, कुमारी थी और समझदार थी, उसका भी पार था, कहते हैं ना ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती, सरस्वती माता माता कुमारी थी, तो वो मम्मा थी, उसको बाबा ने कहा बड़ी बहन मां के समान, तो हम जो हैदराबाद सिंध में ज्ञान लेने आते थे तो हमारा भी सबका मम्मा से प्यार हो गया, पहले राधे कहते थे, फिर ओम राधे कहते थे, दादी राधे कहते थे, बाबा ने कहा बड़ी बहन मां के समान, फिर मामा कहा क्यों, मम्मा ने यज्ञ को संभाला, सरस्वती गाया हुआ है ना ब्रह्मा सरस्वती, आपने सुना होगा शास्त्रों में ब्रह्मा सरस्वती, पर ब्रह्मा सरस्वती उसकी पत्नी नहीं, सरस्वती बेटी थी, तो ये सरस्वती हमारी मामा जिसने ये सारे यज्ञ को अच्छी तरह संभाला, फिर तो सभी ने हमारी बड़ी दीदियां ये सब सब चलते गए चलते गए, पर सबका बानीकार थी हमारी मामा, तभी देखो आप देखेंगे यहाँ भी बाबा मामा, और फिर साथ में बिठाया है ये फोटो निकाला चित्र निकाला, तो बच्चे इसमें बच्चे भी डालो, और हमारा दूसरी बड़ी बात बाबा का भतीजा दादा विश्व किशोर, दादा विश्व किशोर आपने नाम सुना है दादा विश्व किशोर का, हाँ बोलो हाथ उठाओ जिन्होंने सुना है, वो हमारा बड़ा भाऊ था, अच्छा दादा विश्व किशोर जिसको भेरू कहते थे, हमारा नाम सबका पहले लौकिक था, फिर हमारा नाम अलौकिक पड़ा, मेरा नाम विश्रांत है, पहले नाम दूसरा था लौकिक फिर विश्रांत है, तो दादा विश्व किशोर का नाम भी पहले दूसरा था फिर विश्व किशोर पड़ा, तो ऐसे ही
ये नाम अलौकिक ऊपर से बाबा के पास ब्रह्मा कुमारी बहन गई कोई ये नाम लेके आई तो किसके नाम चले किसके नहीं चले। तो हमारे दादा विश्व किशोर का नाम विश्व किशोर। अब विश्व किशोर की बात सुनाती विश्व किशोर दादा ऐसा था जो बाबा का जैसे कहे ना लौकिक बाप का बेटा भी मुड़ भी बेटा नहीं हो सकता जैसे हमारे दादा विश्व किशोर ने पूरा ऐसा बाबा को फॉलो किया ऐसा बाबा जैसे किया। सारे यज्ञ की कारोबार हमारा दादा विश्व किशोर ने संभाला सारे यज्ञ की कारोबार जवाबदार और वो था बाबा का भतीजा। हैदराबाद सिंध की बात एक बारी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसा होशियार था एक बारी क्या हुआ और कोई भी खरीदारी करता था ना तो उसके ऊपर ही सारी यज्ञ की जवाबदारी रहती थी। एक बारी क्या किया हो गया माल खरीद करने हमारे यज्ञ के लिए कराची की बात है मैं समझती हूँ तो उसको तो गया दुकान में गया बड़े व्यापारी के पास तो उसको जाके देखा कि ये तुम्हारे ये साबुन ये सब खराब खराब माल क्यों हो गया है क्यों। उसने कहा जो माल आने वाला था ना उस माल में बेरा है ना बेरा बड़ा उसमें पानी आ गया था तो इसीलिए माल डैमेज हो गया थोड़ा पानी वाला हो गया तो इसीलिए साबुन बाकी है अच्छा सब। तो उसने कहा अभी आप ऐसा साबुन बेचे कहा तो आपसे कौन लेगा इसीलिए हमारा यज्ञ बहुत बड़ा है सारा माल मेरे को दे दो। विश्व किशोर ने ऐसा काम किया वो सारा माल साबुन का पार्सल कैडिलक साबुन जो कैडिलक साबुन जो आज मुंह में भी मुश्किल से मिलता है वो सारी कैडिलक साबुन ये सब सामान लेके आया और ऊंट की गाड़ियां भरा करके हमारे कराची में आती गई। हमने कहा आज क्या बात है इतने सारे गाड़ियां भर के आ रही है तो उसने जा करके उसको व्यापारी को बड़ा धक मारा क्योंकि वो बाबा का मुड़ भी बेचा था दादा विश्व किशोर। उसने कहा तू क्या करेगा तुम्हारा सामान कोई आदमी देखेगा कहेगा इसके पास डैमेज माल है नहीं जाओ तुझे तुम्हारा नाम मेरे को दे दो सारा माल कितने में दे दो दे दो। बस वो भी ग्राहक फंस गया उसने भी बाबा सारे साबुन इतने सारे खोके आ गए। फिर पता है क्या हो गया यज्ञ में आपने कभी कैडिलक साबुन से कपड़ा धोया होगा हमारे पास जो कैडिलक साबुन वो इतना आया जो हम सब उसके कागज उतार करके और बाबा ने कहा बच्ची अभी बाहर का दूसरा साबुन नहीं मंगाओ ये साबुन बहुत सस्ता पड़ गया है ये बच्ची कपड़े धोने में ये सब ओ धोबी भी उसी कैडिलक साबुन में बचिया धोते थे। ये हमारा विश्व किशोर बाबा का ये विश्व किशोर भाई इसने सारा काम किया न भगवान सारा। फिर हम सबको कैडिलक साबुन मिला उसे कपड़ा धुलाई करते थे हमारी बच्ची के कपड़े भी कैडिलक साबुन में वो कहा साबुन लियो बाजार से वो भी महंगा ये मुफ्त में मिलता है। तो ये सब काम किसने किया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सब कराया परंतु करने वाला ये भाव विश्व किशोर भी दादा काम नहीं था जिसने सारे यज्ञ को अच्छी तरह से संभाल और उसको बाबा का इतना ख्याल रहता था शर्म मेरे बाबा के अंदर कोई बात ऐसी न बताना बाबा कैसा है सब ठीक है। देखरे की खुरखुर हो गई थी आपको पता है कितना देखरे की खुरखुर हो गई खुरखुर किसको कहते हैं द्रौपदी का देखरा कहते हैं ना खलास हो गया बच्ची बच्ची कल बच्चों को क्या खिलाएंगे जाएगा यीशु ये पूछेंगे बाबा खिलाएंगे देगड़ा खाली हो गया। फिर पोस्ट आती थी हम बच्चों को तो पता था हम बाहर रहते थे लिफाफे में 20 रुपया मनी ऑर्डर करके ये अच्छा बच्ची पोस्ट खोलो बाबा लिफाफे में 20 रुपया अच्छा बच्ची 20 रुपए की दाल मंगा दो बच्चों को दाल खिला ये हमारे ब्रह्मा बाबा ने कहा है मेरा बाबा ऐसे दिन पास किए परंतु बाबा ने कहा बच्चे
मैंने कभी एक दिन भी आपको भूख में रखा? नहीं रखा। आओ बच्चे आओ, ऋषि पुत्री आओ, ऐसा प्यार से। ये कौन था, ये किसने पालना दी? जो सब माताओं ने पतियों का प्यार छोड़ा, हम बहनों ने हमने पिताओं का प्यार छोड़ा, माताओं को छोड़ा, परंतु एक बाबा को उठाया। क्यों? आओ बच्चे, हमको क्या कहते, आओ ऋषि पुत्री, कैसे महात्मा ऐसे। हम सब कब से 13-14 बरस से लेकर के आज मेरी जीवन 82 है। मैं ये सफेद कपड़े पहनती, पहले छोटे थे 14 बरस के फ्रॉक पहनते थे, फिर बड़े बने, फिर साड़ी बने, अब ये रंगीन कभी देखा नहीं। रंग क्या होता है ये कभी हमने देखा नहीं। मैं पहनू तो मैं किंग खाप भी पहन सकती हूँ, मैं उस घर की, लेकिन हमने क्या किया अब बताती हूँ, बताती हूँ। देखो हमारे यज्ञ का देख रहा खाली हो गया, फिर हम क्या करते थे? मेरी माँ थी ना, वो भी ज्ञान में था, हैदराबाद सिंध, दूसरा था हैदराबाद दक्कन, देखा दीदी। फिर मेरी माँ क्या करती थी, मेरे बाप का जेब जाके देखती थी, वो इधर उधर है ना, जेब से निकालती थी 20 रुपया। उस समय की बात बताती हूँ, वो समय है, अभी तो हमारा यज्ञ क्या हो गया है बात मत पूछो, परंतु बताती हूँ द्रौपदी के देख रेख की क्या खुरखुर हो गई थी। बोलती थी देखो बाबा के यज्ञ में बहुत देख रहा है सब लीला, मेरी माँ का नाम लीला आंटी था, फिर वो जाती थी हमारे पापा का खिस्सा देखती थी, फिर देखती थी खिस्सा, उसे 20 रुपया निकाल के मेरे को कहती थी मैं क्या करती थी, पोस्ट में डाल करके भेज देती थी, और फिर वक्त आया, फिर दूसरा टाइम आया, ऐसा फिर बच्ची देखो पोस्ट खोलो, कुछ है पोस्ट में, क्या है? बाबा किधर से 20 रुपए आएगी? अच्छा बच्ची बच्चों के लिए दाल मंगा दो, दाल मंगा करके बच्चों को खिला, ये किसने, ये हमारा ब्रह्मा डेगरे की कुरकुर थी। वो वक्त था जब हमने देखा, आज हमारा डेगरा हजारे सेंटर, सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारियों जितना सेंटर होगा कहां भी नहीं, ये किसने काम किया? सत्यता, हम सब सत्यता और प्यूरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ दिस यज्ञ, पवित्रता, बी होली बी योगी, अदरवाइज यू कांट बी योगी, नहीं तो झूठ करते हो। बाबा ने साफ नारा लगाया, तो ये सब कन्याएं माताएं क्या है, ताले लगे। फिर मेरी एक बात बताऊं, हम घर में थे, हमारे 18 ताले लगे, मेरा घर बहुत बड़ा था, मैं शाहूकार घर की हूँ, 18 ताला लगाए, ये भागने नहीं दो, मेरी माँ भी थी मेरी चाची भी थी ये, परंतु हम भागेंगे नहीं, रुक सकते नहीं, ताले तोड़ करके भाग, चौकीदार भी रखा, क्योंकि ये परीक्षा पेपर आएगा, अगर परीक्षा ना आवे ना तो हम आज इस कंडी पर पहुंचे नहीं, परीक्षा ना आती तो कैसे चलती, 13 बरस से चली, अभी मेरी एज 82 है, मैं कुमारी राजकुमारी, और मैं पूना में रहती हूँ, अब सब बात ठीक है, अभी कितने हजारे सेंटर्स हो गए, कितने बाबा के बच्चे जगह जगह बसे, हम दिल्ली भी गए, कहाँ नासिक भी गए, कितने जगह गए, अब मैं पूना में रहते हैं, पूना में भी हमारे बहुत सेंटर्स हैं, हमारे को पापा ने, हमारा पापा लोग के फादर को पापा ही कहते थे, उसने भी हमको बहुत अच्छा घर लेके दिया, बहुत बड़ा घर लेके दिया पूना में, कभी भी आप आएंगे ना पूना में तो आपको दिखाएंगे, रहेंगे भी आप तो वहाँ, हमारा सेंटर भी बहुत बढ़िया है, तो उधर पूना, अब सारी दुनिया में पापा के सेंटर हो गए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा भारत भाग्य विधाता, सारी दुनिया में बाबा व्यापक हो गया, हम भी सब जगह गए, बहुत जगह गए, आज देखो ब्रह्मा कुमारी का नाम पाला,
वही तो स्वर्ग धरा पर लाएंगे लाएंगे ना। ये सब कौन है? सफेद पोश तारे। पर रंग रंगीला राजा भी इनको वास्तव में, मैं आपको माताएं खुशी से बोलती हूँ कि आपको भी यहाँ जब बाबा के घर में आते हो ना, तो रंग रंगीले राजाएं नहीं बनो, सफेद पोश तारी बनो। इसमें अपना नाम बाला करो। हमने कभी 13 बरस से लेकर 13 बरस के आयु से लेकर के आज दिन तक कभी रंग देखा नहीं। ये पहले छोटे थे, फ्रॉक पहनते थे, अभी बड़े बने सारी वाइट, पर कलर कभी देखा नहीं। ये पहना नहीं है। मैं हीरे की चूड़ियां भी पहन सकती हूँ, मैं ऐसे करोड़पति घर की पति हूँ, परंतु वो सब हमने क्या किया? जब ये हमारा देगरा बाबा का खुरखुर हो गया ना, ये कन्याएं और माताएं साथ में हमारी ओमरा देते, मम्मा उसको कहते थे, बाबा कहते थे ना, बड़ी बहन माँ के समान, बच्चे उसको मम्मा, तो मम्मा का ओमरा दे, तेरा मम्मा कहते। और उसमें सब ये दीदी दादियां, हमारी दादियां जब बाबा के सामने जाकर, तो बाबा ने जाते ही कहीं आए कहीं गए, कहीं शरीर छोड़ते गए, बड़ी बहनें भी चली गई, हमारी दादी चंद्रमणि थी, दादी मिठू थी, दादी ये थी, चले गए। परंतु फिर अभी देखो आप सब कितनी, ये सब सत्यता की ताकत, सत्यता। ओम शांति।